आज इस्लाम और आईन पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक और जबरन तब्दीली मज़हब का जो बिल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये बिल अब पेश होने वाला है, लेकिन क्या है सुन के नाज़रीन आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे, अंगुश्त बदंदा रह जाएंगे। यानी पाकिस्तानी मुसलमान आँखें खोलें और जय्यद उलमाए कराम तवज्जो करें कि ये बिल जो कि अब कुछ अरसे के बाद खुदा ना खास्ता पेश होने वाला है, ये मुकम्मल तौर पे एक रेड अलर्ट है। एक बार फिर बैनुल अक्वामी ताकतें इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई ख़तरनाक तरीन साजिशें कर रही हैं। एक बार फिर आईने पाकिस्तान की धजियां बिखेरी जा रही हैं और एक बार फिर पाकिस्तान की नज़रियाती असास को खोखला किया जा रहा है। एक बार फिर बैनुल अक्वामी फंडेड NGOs अपने मज़मूम मकासद की तकमील की खातिर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकाकर अपने गुलामों के जरिए से यह बिल लेके आ रही हैं। और अब पाकिस्तान में कोई भी फर्द, सुनिए जरा इस बात को, पाकिस्तान में कोई भी फर्द या मजहबी जमात तबलीगी दीन का काम गैर मुस्लिमों पर नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों की जबरी मजहबी तब्दीली के नाम पर पहले बैनुल अक्वामी सतह पर एक हाइप को क्रिएट किया गया और अब एक साजिशी बिल बाकायदा तैयार किया गया है, जो इस वक्त आपको सुन के हैरत होगी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल और वजारत मजहबी उमूर में जेर गौर है, जिस पर इस बिल को पेश करने वाले मेंबरान असेंबली से लॉबिंग कर रहे हैं। और कुछ अरसे के बाद, यानी लॉबिंग करने के बाद जब यह पूरी बिसात जो है तैयार हो जाएगी, उसके बाद यह बिल मंजूरी के लिए कौमी असेंबली और सेनेट में पेश होने जा रहा है। नाज़रीन कराम, अगर यह बिल खुदा ना खास्ता कानून की शक्ल इख्तियार कर गया तो पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी लग जाएगी गैर मुस्लिमों के हवाले से। इस्लाम की तबलीग करने वाले मुजरिम ठहरेंगे खुदा ना खास्ता। फिर कोई भी गैर मुस्लिम जो 18 साल से कम उम्र है, इस्लाम कबूल नहीं कर सकेगा। किसी शख्स को नहीं समझाएगा कि उसने अपना मजहब जो है वो तब्दील किया है, यानी वो समझा भी नहीं सकेगा जब तक कि यानी वो शख्स बालिग ना हो जाए और बुलुगत की उम्र 18 बरस रखी गई है, जो कि बिल बनाने वालों की खुद साख्ता इस्तिला है। जो बच्चा 18 बरस की उम्र को पहुंचने से पहले अपने मजहब को तब्दील करने का दावा करता है या दावा करेगा, उसका मजहब तब्दील नहीं समझा जाएगा और न ही उसके खिलाफ इस किस्म के दावे या कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई होगी। सुन के आपको हैरत होगी नाज़रीन। और दूसरा यह कि 18 साल से बड़ा कोई शख्स आसानी से इस्लाम कबूल नहीं कर सकेगा, कि उसके लिए ऐसी सख्त तरीन शराइत लगाई गई हैं कि इस्लाम कबूल करना उसके लिए नामुमकिन बात होगी। बिल कहता है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो बच्चा नहीं है और दूसरे मजहब में तब्दील होने के काबिल और आमादा है, उस इलाके के एडिशनल सेशन जज को तब्दीली मजहब के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देगा। यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मैं आपसे बात कर रहा हूं साहब, होने क्या जा रहा है सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि उस इलाके के एडिशनल सेशन जज को तब्दीली मजहब के सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त देगा, जहां आम तौर पर गैर मुस्लिम रहता है या अपना कारोबार करता है। दरखास्त में उसकी सारी तफसील मौजूद होंगी, नीज नए मजहब में तब्दीली की वजह भी लिखेगा कि मैं मजहब क्यों तब्दील कर रहा हूं, यानी मैं इस्लाम क्यों कबूल करना चाहता हूं, उसकी वजह बतानी पड़ेगी उसको। एडिशनल सेशन जज मजहब की तब्दीली के लिए दरखास्त मौसूल होने के 7 दिन के अंदर इंटरव्यू की तारीख मुकर्रर करेगा। फराहम करदा तारीख पर फर्द अपने आप को एडिशनल सेशन जज के सामने पेश करेगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि मजहब की तब्दीली किसी दबाव के तहत नहीं है और न ही किसी धोखादही या गलत बयानी की वजह से है। एडिशनल सेशन जज गैर मुस्लिम की दरखास्त पर उस शख्स के मजहबी स्कॉलर से मुलाकात का इंतजाम करेगा। ये एडिशनल सेशन जज का काम होगा, यानी अब कोई शख्स जो है तबलीगी सरगर्मी ना करे साहब, सारे मामला जो है वो जजेस को दे दिए जाएंगे इस हवाले से। तो एडिशनल सेशन जज गैर मुस्लिम की दरखास्त पर उस शख्स के मजहबी स्कॉलर से मुलाकात का इंतजाम करेगा जिस में वो मजहब तब्दील कर रहा है। और सितम बाला सितम यह है कि एडिशनल सेशन जज
मज़ाहिब का तकाबुली मुतालिया करने और एडिशनल सेशन जज के दफ्तर वापसी के लिए गैर मुस्लिम को 90 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी 90 दिन तक सोचो, अगर सोच तब्दील हो जाए तो दोबारा जो है उसी तरफ चले जाना जिस तरफ से तुम लौट के जाना चाहते हो। मतलब यह है कि 90 दिन तक उसे इस बारे में सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि जो फैसला कर रहा है कि खुदा ना खास्ता गलत नहीं है। यानी एक गैर मुस्लिम अगर फौरी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो बिल पेश करने वाले ये नहीं चाहते नाजरीन, क्योंकि उनके पास ये बड़े अजीब सा मैं जुमला अदा करने जा रहा हूं, यानी एक तरफ एडिशनल सेशन जज को इंटरव्यू के लिए जो है वो उनके उसके पास जाएगा, इंटरव्यू देगा, गुफ्तगू करेगा, 90 दिन ये जाएंगे, यानी ये एश्योरेंस बुनियादी तौर पर बिल पेश करने वालों के पास मौजूद है कि इस दौरान वो शख्स जो कि गैर मुस्लिम है और मुसलमान होना चाहता है वो जिंदा रहेगा, और अगर खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, वो कुफर में ही इस दुनिया से चला गया, तो उसका अजाब किसके सर होगा, बिल में इसकी भी वजाहत नहीं है। और हां, जो अफराद गैर मुस्लिमों में दीन का पैगाम पहुंचाते हैं वो भी सुन लें जरा तवज्जो से मेरी बात, कि जबरी मजहब की तब्दीली में मुलव्वज़ फर्द को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। अदालत के सामने जबरी तब्दीली का मामला 90 दिन की मुद्दत के अंदर निपटाया जाएगा और अदालत किसी मुकदमे की समाअत के दौरान 2 से ज्यादा इल्तवा नहीं देगी। इस बिल के तहत किसी जुर्म की सजा या बरियत के खिलाफ अपील मुतल्लिका हाईकोर्ट के सामने इस तारीख से 10 दिन के अंदर पेश की जाएगी। मुझे कहने दीजिए साहब कि पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, मगरिब में मैंने देखा है साहब, मैंने कई जगहों पर विजिट किया है, मैंने देखा है कि पब्स के बाहर जो है मुख्तलिफ मजाहिब के लोग अपने काउंटर्स लगा के बैठे होते हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं है। अब होने जा रही है तो पाकिस्तान में रोक टोक होने जा रही है कि आप पाकिस्तान में किसी को मजहब तब्दील नहीं करवा सकते, किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। लेकिन एक जुमला आखिर में जरूर जाना चाहिए, यह एक इंटरनेशनल साजिश है, एक बैन अलावामी साजिश है जिसको रचाया गया है पाकिस्तान में। मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान में कोई मंदिर, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कोई सिनेगॉग गैर महफूज नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अकलियतें महफूज थीं, अकलियतें हैं क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक उन्हें जमानत दी है हिफाजत की, और पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं क्योंकि मेरे आपके कायद ने आईन पाकिस्तान में उनको मुकम्मल तौर पर हिफाजत की है, उनकी जमानत दी है और उनको हिफाजत का जो एक अश्योरेंस दी है।